प्यारे बच्चों, आज से 73 वर्ष पहले हमारा देश अधीन था और 300 वर्ष माने या 1000 वर्ष माने, कहीं ना कहीं हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े थे। आज की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता की कीमत का पता नहीं है। शायद वो नहीं जानती कि लाखों लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 18-18 साल के बच्चे फांसी का फंदा अपने हाथों से गले में डाल लेते थे। वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, गुरुकुल में पढ़े हुए थे। वेदों के मंत्र पढ़ते हुए फांसी का फंदा अपने हाथ से गले में डाल लेते थे। जल्लाद की आंख से आंसू आ जाते थे, ये कैसे बच्चे हैं जो अपने हाथों से फांसी का फंदा गले में डाल लेते हैं, क्या इनको मरने का डर नहीं लगता? संसार का कोई भी बड़ा से बड़ा वीर हो, जब मौत उसके सामने आती है तो डरने लगता है। लेकिन जिन्होंने गीता के इस वाक्य को पढ़ा होता है कि नयनम छिंदन्ति सहस्राणि नयनम द्वैत पावका, वो क्यों डरेगा? वो तो ये सोचेगा कि जब सूरज नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, मैं तब भी था, और जब ये नहीं रहेंगे मैं तब भी रहूंगा। इसलिए उन्होंने कभी डरने में अपने गौरव नहीं समझा। उनका गौरव था देश के लिए सर्व समर्पित होने में। आप देखिए, जिस समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था, मात्र 21 साल की उम्र थी। उनको फांसी पर चढ़ते हुए देखकर उनकी माँ भी सामने थी, आंख से आंसू आ गए। फांसी पर खड़े हुए भगत सिंह ने अपनी माँ को डांटा कि माँ तुम रो रही हो। माँ कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक ही पुत्र थे तुम, यदि दूसरा भी पुत्र होता तो मैं उसको भी देश के लिए फांसी के फंदे पर मैं भेज सकती थी। सबसे बड़ी बात कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल तक भारतवर्ष पूरे विश्व में अग्रणी रहा। क्या कारण था कि हम हजार वर्षों की गुलामी झेलते रहे? कहीं ना कहीं इसके कारण की तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ष तो 15 अगस्त मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन 73 वर्ष आज़ादी के मिलने के बाद भी हमें जितनी तेजी से प्रगति करना चाहिए था हमने नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारी जड़ें अपनी संस्कृति से हट चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक बार कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गातपि गरीसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। लेकिन आज एक भारत का युवा अपने देश की वेशभूषा से घृणा करता है, अपनी भाषा हिंदी और संस्कृत से घृणा करता है, अपने देश में केवल कमियां निकालता है, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करता, उसको पश्चिमी देशों का वैभव आकर्षित करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हमारी दुर्बलता कही जाएगी। जो अपने राष्ट्र के लिए नहीं जी सकता, अपनी संस्कृति के लिए नहीं जी सकता, उसके जीवन धिक्कार है। तो पशु पक्षी भी अच्छा खाते पीते पहनते हैं। यदि हमारी मानसिकता केवल यही है कि विदेशों में जाकर हम धन संग्रह करें या भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करें, तो हम राष्ट्रप्रेमी नहीं। जहाँ की धरती पर हमारा शरीर पला बढ़ा, जहाँ की वायु में हमने सांसें ली, जहाँ के अन्न जल को ग्रहण किया, उसी से घृणा करना किसी देश की संस्कृति में नहीं सिखाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जहाँ राणा प्रताप पैदा हुए, जिनसे प्रेरणा लेकर वियतनाम वालों ने अमेरिका को भी छक्के छुड़ा दिए, चीन को भी छक्के छुड़ा दिया वियतनाम वालों ने, उसी राणा प्रताप से हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन राणा प्रताप के समय भी मानसिंह पैदा हुआ, पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद पैदा हुआ, इसी देश में मीर जाफर ने भी जन्म लिया, जिन्होंने देश की अस्मिता को बेच दिया केवल अपने निहित स्वार्थ के पीछे। इस देश में कभी वीरता की कमी नहीं थी, बौद्धिक स्तर की कमी नहीं थी, लेकिन आपस की लड़ाई से यह देश टुकड़े टुकड़े हुआ और हजार वर्षों तक गुलामी की सिसकियां लेता रहा। सभी सोचते थे कि हमें क्या लेने देना, जो विद्वानों का वर्ग सोचता था, क्योंकि उसमें कोई चाणक्य नहीं था, केवल पूजा पाठ करने वाले पंडित पुजारी थे, वो सोचते थे कि हमें क्या लेने देना। वैसे सोचते थे कि हमारा काम तो व्यापार करना है, हमें क्या लेना देना, ब्राह्मण वर्ग की नारे हो गया। शूद्र सोचता है कि हमें क्या लेना देना, हम तो किसी की भी सेवा कर लेंगे। ये नहीं है। इससे बड़ी दुखदाई बात क्या होगी कि जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के सहयोग से सिराज दौला को हराया, तो उसके स्वागत में 50,000 हिंदुस्तानी फूल लेकर
रॉबर्ट क्लाइव और उसके 500 सैनिकों पर फूल फेंक रहे थे। आप बताइए 500 अंग्रेज सैनिकों के ऊपर यदि 50,000 हिंदुस्तानी एक एक पत्थर भी मारते तो शायद ये देश गुलाम नहीं होता 300 वर्षों के लिए। अंग्रेजों ने समझ लिया कि ये देश सोया हुआ है और इसको हम जब तक चाहे तब तक गुलाम बनाए रख सकते हैं, क्योंकि किसी में स्वाभिमान ही नहीं था। वो सोचते थे कि कोई शासन करे, हम थोड़े, हमें क्या लेना देना, यही इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में गए हुए थे, फल खाने की उनको इच्छा थी, ट्रेन में बैठे हुए थे, कोई भी स्टेशन आता देखते कहीं यहाँ फल तो है कि नहीं। कई स्टेशन गुजर गए लेकिन फल नहीं मिला, उनके मुख से निकल गया कि कैसा देश है जहाँ फल नहीं मिलता। अगला स्टेशन रुका, उनके बगल में एक जापानी बैठा हुआ था, वो चुपचाप गया, फल के टोकरे लाकर कहा कि स्वामी जी ये ले लीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि भाई इसके पैसे बताओ। कहा कि नहीं नहीं स्वामी जी, ये आपको लेना पड़ेगा। विवेकानंद ने बहुत आग्रह किया तो कहता है कि देखिए आपको तो ये फल स्वीकार करना ही होगा, मुझे ये सहन नहीं है कि आप जाकर भारतवर्ष में ये कहें कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। विवेकानंद को नतमस्तक होना पड़ा जापानियों की अपनी राष्ट्रभक्ति पर। हमारे देश में ऐसे लोग हैं तथा कथित स्वयंभू बुद्धिजीवी जो सोचते हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं, से सब लोग निरक्षर हैं। वो भारतवर्ष को पानी पी पी करके निंदा करते हैं, पले बड़े हैं भारत में, भारत की निंदा करने में उनको संकोच नहीं होता। आप सोचिए इस देश का नाम है भारत, भारत जो ज्ञान के प्रकाश में ही डूबा हुआ दिन रात, लेकिन इस देश में अशिक्षा ने अपना घर बना लिया। जिस देश में विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला बने, उस देश में अशिक्षा ऐसी हो गई थी कि अंग्रेजों के राज्य में तो एक चिट्ठी पढ़नी होती थी तो पटवारी को खोजा जाता था, क्योंकि गांव में केवल पटवारी ही पढ़ा लिखा होता था और कोई पढ़ता लिखता नहीं था। ये दुर्भाग्य है इस देश का। संसार में सबसे पहले ज्ञान का उद्भव भारत में हुआ, भारत ने संसार को राह दिखाई, 1000 वर्षों की दास्ता बीती है, अब 73 वर्षों से भारत आज़ादी की सांसें ले रहा है, लेकिन अभी बहुत कमियों को दूर करना है। हमारी सच्ची राष्ट्रनिष्ठा क्या है? हम संसार में सबके कल्याण की भावना सोचें। हम नहीं कहते कि सारे संसार के लोगों को दुखी बनाकर हम अकेले सुखी हों। हमारी संस्कृति तो कहती है कि मित्र से चक्षा अहम सर्वाण भूतानि समीक्षे, संसार के सारे प्राणियों को मित्र के दृष्टि से देखें। लेकिन शांति का दीपक तो वही जलाएगा जहाँ हवा न हो। शांति के दीपक जलाने का अर्थ ये नहीं है कि कोई इस दीपक को ही बुझाने का प्रयास करे। हर भारतीय को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जगाना होगा अपने हृदय में। हमारे अंदर यदि राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं जगा, हमें अपने देश की संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपनी महान गरिमा पर स्वाभिमान नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम पश्चिमी जगत की चमचमाती सड़कों पर, वहाँ के वैभव विलास पर खुश होते हैं, वहाँ जाने की तमन्ना करते हैं और अपने देश को ऐसे देखते हैं जैसे कि हमारा देश सबसे गया गुजरा हो। ये ठीक है, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, गुलामी के 1000 वर्ष को हमने देखा है, विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों को हमने सहा है, खून की नदियाँ भी हमारे देश में ही बही है, हमने सब कुछ सहन किया है। लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस पर जिन भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, गोलियां खाई हैं, आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे झंडे लेकर के चलते थे, सरकारी इमारतों पर झंडा फहराना होता था, मिलिट्री के जवान गोलियों से भूनते थे, एक बच्चे के हाथ में झंडा है, गिरने से पहले वो झंडा दूसरों को पकड़ा देता है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, न जाने कितने शहीद हो जाते थे, लेकिन देश के झंडे को कभी गिरने नहीं दिया। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं योगीराज अरविंद, मैं उनके पांडिचेरी आश्रम में गया हूँ। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? कि देशद्रोहियों के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को संसार के सारे गुलाबों की सुगंध भी नहीं भर सकती है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्विस बैंकों में इस देश का कितना पैसा जमा है, इस देश को धन को लूटकर जिन्होंने स्विस बैंकों में जमा किया है, कहीं ना कहीं वो देशद्रोही हैं। उनमें राष्ट्र के लिए भावना नहीं है कि हमारे देश के लोग जो भूखे नंगे हैं उनका कल्याण करें। वो सोचते हैं कि केवल हम स्विस बैंकों में रख दें और हमारी कई पीढ़ियां बिना बैठे हुए खाती रहें। ये तो देश के साथ घात करना है। सबसे बड़ी बात,
आज़ादी के लिए कितने कष्ट सहे, आप देखेंगे जितने महान पुरुष हुए हैं, सावरकर से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आज़ाद तक, वो भी किसी माँ बाप के लाडले थे। कई युवा थे रास बिहारी बोस से लेकर, जो छोटी उम्र में घर से निकल पड़े थे, एक जुनून था, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी। और जानते हैं देश क्यों गुलाम हुआ था? अंग्रेजों के पास कितनी सेना थी, यहाँ के ही लोग सेना में भर्ती होते थे और यहाँ के लोगों को ही मारते थे। यदि भारत में स्वाभिमान जगह होता, कोई भी भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं होता, तो विदेश से अंग्रेज आकर इस देश पर शासन क्यों करते? लेकिन हजार साल बीत गए हैं, यहाँ के ही लोग अकबर की सेना में भर्ती होते थे, औरंगजेब की सेना में भर्ती होते थे, यहाँ का ही मान सिंह था, यहाँ के ही जय सिंह थे, और यहाँ के गोरखे, मराठे, राजपूत सभी अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर उनको शक्ति प्रदान करते थे। जब शिक्षा बढ़ी, देश का स्वाभिमान जगा, सबने नौकरियां छोड़ी, अंग्रेजी सेना में भाग लेना बंद किया, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लाखों की सेना तैयार हो गई थी। जब लोगों का स्वाभिमान जगा, सबने सुभाष चंद्र को सहयोग देना शुरू किया, अंग्रेजों को लगा कि अब हम इस देश में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक हल जोतने वाला अनपढ़ किसान भी जय भारत माता की जय लगा रहा है, तो अब समझ गए कि अब इस देश को गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता। आज हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, देश को विकास के मार्ग पर भी ले जाना है, सारे संसार में भी शांति का संदेश देना है। भारत तो शिष्ट के प्रारंभ से ही शांति का समर्थक रहा है, लेकिन शांति की माला जपते जपते कहीं ऐसा न हो कि हम भी इतने कमजोर बन जाएं कि जो भी आए वो भी पत्थर मारे। मैं जब भी ऐसे प्रसंग आता है, मैं इस बात को जरूर याद करता हूँ कि हमारा राष्ट्रगान आज से 75 साल पहले बना था। दुर्भाग्य है कि कोई उसके अर्थ पर चिंतन नहीं करता, कोई करता भी है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस राष्ट्रगान की पहली पंक्ति में ही कहा गया है कि भारत भाग्य विधाता। भारत हमारा राष्ट्र है और इसकी गरिमा में हम राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो हमारे देश का भाग्य विधाता कौन हो गया? हम कहें कि परमात्मा है, तो परमात्मा तो विजय नहीं करता। इस गान में कहा गया है तो जय गाहे गाथा, आपकी विजय गाथा को सारे गा रहे हैं, सारे प्रांतों का, मुख्य मुख्य प्रांतों का नाम लिया गया है। समुद्र जिसके चरणों को धो रहा है, आप सोचिए कि हम राष्ट्रगान गा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गुप्त रूप से राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। देश का स्वाभिमान अभी इतना जग नहीं पाया है कि अपने राष्ट्रगान पर विचार करें और अपनी की हुई भूल को सुधार लें। हम भारत में पैदा हुए हैं, हम अपने को हीन क्यों समझते हैं? हमारी संस्कृति आत्मवादी है, भौतिकवादी नहीं। जब हम किसी अंग्रेज को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारा रूप रंग तो सांवला है, भूरा है, ये अंग्रेज बड़े हैं, रूप रंग से कोई बड़ा नहीं होता। मन का सौंदर्य सबसे अधिक है। जापानियों की एक धारणा है कि प्रकृति में हर वस्तु सुंदर है, कोई वस्तु कुरूप नहीं होती, परमात्मा ने जो भी रचना की है उसमें कहीं ना कहीं सुंदरता का अस्तित्व है। लेकिन भारतीयों को एक सिखा दिया गया कि देखो ये अंग्रेज साहिबान हैं, ये शासन करने के लिए बने हैं और तुम गुलामी हो कि जंजीर में पड़े रहने के लिए बने हो। यही इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। स्वतंत्रता के दिन तो हमें स्वाभिमान से खड़ा होना होगा कि कभी हम विश्व गुरु थे और यहाँ से गए हुए लोग सारे संसार में बसे, अपनी संस्कृति फैलाई, अपना ज्ञान फैलाया, सारे संसार के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसलिए तो मनीषी ने आज से करोड़ों वर्ष पहले लिख दिया था, एता देश प्रसूतस्य सकसात अग्रजन्मना सोसम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्यों ने इस देश में उत्पन्न हुए महापुरुषों से शिक्षा ली है। आप सोचिए जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म लेते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण लेते हैं, चाणक्य जैसा नीतिज जहाँ पैदा होता है, जहाँ की धरती पर अर्जुन भीम पैदा होते हैं, लवकुश पैदा होते हैं, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सारी सेना और एक तरफ दो किशोरावस्था के बच्चे, जब धनुष बाण लेकर खड़े होते हैं तो लक्ष्मण हार जाते हैं, शत्रुघ्न हार जाते हैं, भरत हार जाते हैं, पूरी राम की सेना हार जाती है जिसमें हनुमान जी भी हैं। उस देश के लोग के बच्चों को आज क्या हो गया है? आज देश के युवा बच्चे कितने कमजोर होते हैं,
उनकी माताएं कांकरोच से डराती हैं, बंदर को दिखाकर डराती हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। हमारी संस्कृत का उद्घोष है वीर भोग्या वसुंधरा। हमें एक चींटी को भी नहीं मारना है, लेकिन कायर स्वप्न में भी नहीं होना है, कायर होने से मर जाना अच्छा है। वीर बनिए, ब्रह्मज्ञानी बनिए, सारे संसार में शांति की स्थापना कीजिए, सारे संसार को अभय दीजिए, धर्म के पथ पर चलिए। धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं, परम शाश्वत सत्य जो है वही धर्म है, और भारत इसी का उद्घोष करता है। इसलिए भारत ने संसार की सभी मान्यताओं वाले पंथों को अपने यहाँ जगह दी है। कोई किसी से घृणा की बात नहीं करना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि सारे देश के लोग मेरी इस बात को सुनेंगे और अपने देश की गरिमा बढ़ाने के लिए, चाहे बौद्धिक दृष्टि हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो या भौतिक दृष्टि, करबद्ध ये पूर्णतया सन्नत रहेंगे, इसी में सबका गौरव है। और तभी हम, हमारे पूर्व पुरुषों ने जिस तरह से अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को स्वतंत्र किया है, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा पहला उत्तरदायित्व है। क्योंकि उसकी पीड़ा का अनुभव शायद हम नहीं जानते हैं, उस समय के लोग जानते हैं जिन्होंने फांसी पर चढ़ते हुए लोगों को देखा है। आप सोचिए, हमारे शरीर में कांटा चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है। उन देश के नौजवानों ने, वीरों ने कम से कम 10 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है हमें स्वतंत्र कराने के लिए। आप खुली हवा में जो आज हम सांस ले रहे हैं, किसके कारण? उनके त्याग के कारण। एक समय था जब महात्मा गांधी को उन्हीं के डिब्बे से एक अंग्रेज ने धक्का देकर निकालने का प्रयास किया था कि तुम काले भारतीय हो, मेरे साथ डिब्बे में नहीं बैठ सकते। कलकत्ता के एक होटल पर लिखा था भारतीय इंडियन डॉग्स। कितना अपमान है। एक पक्षी से पूछे जो पिंजड़े में रहता है, उसकी पीड़ा को वही जानता है क्योंकि खुली हवा में उड़ नहीं सकता। उसको जितना खाने को दिया जाएगा उतना ही खा सकता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। जिसको प्रकृति ने दिया है कि स्वतंत्रता पूर्वक पूरे वनों में घूमे, आज उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो उस पर क्या बीतती है। हम भी कहीं ना कहीं हजार वर्षों तक पिंजड़े में रहे हैं। जिन्होंने हमें पिंजड़े से मुक्त कराया, उनके लिए सारा देश आज नतमस्तक होए, इसी में सबका गौरव है। हम भी उस गरिमा को समझाएं, हमारे ऊपर ऋण है कि हम अपने भारत को विश्व में अग्रणी बनाएं। हर देश से हमारे अंदर स्वाभिमान जगे, अभिमान नहीं स्वाभिमान। हम अपनी कमियों को दूर करें और आने वाले समय के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए, ज्ञान दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाएं और सबके लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करें। मैं आशा करता हूं कि सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा भारतवर्ष पर बरसती रहे। वैसे उनकी कृपा तो सब पर है, लेकिन भारतवर्षियों में ऐसी चेतना विकसित करें कि वे सारे संसार में शांति की ज्योत जला सके। प्रणाम जी।